तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं राजस्थान के फूड के ऊपर। राजस्थान को अगर हम कल्चरल जोन्स के हिसाब से बांटें तो राजस्थान को पांच कल्चरल जोन्स में बांटा जा सकता है। मारवाड़, ढूंढरी, हडोत, मेवाड़ और शेखावटी। और राजस्थान का कुजीन जो है वो प्रमुखतः इन कल्चरल जोन से इन्फ्लुएंस्ड है। और जहां तक इन जनरल हम बात करते हैं तो पहला परसेप्शन यह भी जाता है कि क्योंकि पानी की कमी है तो कुजीन कुछ इस तरह से हो जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग हो सके जो कि लोगों को स्वास्थ्य भी रख सके, उनको जायका भी दे सके और उसके साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रख सके। बात करते हैं रूरल और अर्बन फूड हैबिट्स की। ज्वार, बाजरा, ये जो है काफी प्रेफरेंस राजस्थान में दी जाती है। राबड़ी, बटर मिल्क बहुत इस्तेमाल होता है। चाय, कॉफी कंपैरेटिवली प्रयोग कम है और दाल बाटी जो है बहुत पॉपुलर डिश वहां की रही है। और जहां तक बात अल्कोहल की है, वैसे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन प्रमुखतः ये राजपूत और ट्राइबल्स के बीच में पॉपुलर रहा है। और जहां बात रूरल एरिया की हो तो टबैको का इस्तेमाल भी वहां पर काफी होता है। बात राजस्थान की हो रही है और खेजड़ी की बात ना हो तो बात सही ना होगी। राजस्थान में खेजड़ी ट्री को जो है प्रोस्पेरिटी का द्योतक माना जाता है और थार के रेगिस्तान में एक इकोसिस्टम में यह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि एक तो इसका डीप टैप रूट सिस्टम है और ये सॉइल के अंदर फर्टिलिटी ऐड करता है क्योंकि नाइट्रोजन देता है और उसके साथ साथ खेजड़ी जो है वो बहुत जल्दी उगता है। खेजड़ी को अर्जेंटीना, ब्राजील या चाइल और केन्या जैसी देशों में भी देखा जा सकता है। खेजड़ी से एक महत्वपूर्ण पॉड निकलती है जिसको हम कहते हैं सांगरी और इसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। राजस्थान में माना जाता है कि अगर आपके पास खेजड़ी का पेड़ है तो उससे जो है बकरी पाली जा सकती है, बकरी दूध दे सकती है, मीट दे सकती है, दूध से दही बनाई जा सकती है और जीवन यापन किया जा सकता है। जब हम गैस्ट्रोनॉमिकल हिस्ट्री की बात करते हैं तो राजस्थान को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि 1543 में ऐसा कहानी में बताया जाता है कि शेरशाह सूरी जो है वो 80,000 लोगों की सेना के साथ मारवाड़ के किंग मालदेव के साथ पास हमला करने के लिए आ गए और समस्या रही कि अब युद्ध होगा तो क्या होगा। और एक महीने तक लड़ाई चलती रही, राठौड़ आर्मी जो है वो लड़ती रही और उन्होंने बाजरे की बाटी खाई जिससे ना केवल उनको ऊर्जा मिली अपितु शक्ति भी मिलती रही और लड़ने के लिए वो तैयार रहे। एक महीने बाद शेरशाह सूरी कमजोर पड़ने लगे और उन्होंने ये कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का तख्त नहीं गवा सकता। तो इस तरह से हम फूड को अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव या एक एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पॉपुलरली यूज्ड वेजिटेबल्स राजस्थान में इस्तेमाल होती हैं वो है केर सांगरी, गवार की फली, उसके साथ साथ पर्ल मिलेट या बाजरा, मतीरे का प्रयोग राजस्थान में खूब होता है, काजरी या कचरी जो है इसका भी इस्तेमाल राजस्थान में खूब होता है। केर सांगरी को पॉपुलरली पंचकुटा की सब्जी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, केर सांगरी, अमचूर, गोंदा, कुमाती, और इसलिए इसका नाम पंचकुटा भी जो है वो रखा गया है। ये जो है पूड़ी या पराठे के साथ बखूबी खाई जाती है और आप राजस्थान जाएं तो केर सांगरी जरूर खाएं। सांगरी की कढ़ी भी बनती है जो कि बहुत पॉपुलर है। जब बात जोधपुर की हो तो इसको ब्लू सिटी या सन सिटी या गेटवे टू थार भी कहा जाता है और जोधपुर और मेहरानगढ़ तो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप जोधपुर अगर जाएं और खाने की बात करें तो मखनिया की लस्सी या मिर्ची बड़ा उसको अवश्य खाएं, प्याज की कचौड़ी जो है वो अवश्य खाएं। अगर जैसलमेर की ओर आप जा रहे हैं तो आलू बैंगन, मुर्गे सब्ज या कढ़ी अवश्य खाएं और बीकानेर जा रहे हैं तो गट्टे की सब्जी, बीकानेरी भुजिया जो है वो अवश्य खाएं। तो इस तरह से राजस्थान में बहुत सारी डिशेज हैं, बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं जो कि एज अ टूरिस्ट आप इंजॉय कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अगली वीडियो में आगे इसको जारी रखेंगे। बहरहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार।